जय माता जी, राम राम सीता राम। तो इसमें गिर गाय है, एक बछड़ी भी है सेल करने के लिए, और एक नंदी है। कहना कि गिर नंदी है, ये बढ़िया नंदी भी है। कहना कि एक इसके नंदी के आगे खड़ी है ना, वो एक बछड़ी भी सेल करना, ये रखना है लाल वाली। फिर तो उसके एक आगे है वो भी रखना है। देखो इधर भैंस भी आई है, अंड पाड़ी बहु है, किलो दूध करे। ये भैंस ने भी बचा दिया, भैंस भी रखी है। देखो इसको खुली रखी है भैंस को। गाय का डिपार्ट इधर है, इधर देखो इसमें लाइस्टन डाला हुआ है, पत्थर पाइटी ना की काम है ना, इसमें पाइटी डाले है ना, तो ये कसकण कम होता है। देखो ये झगड़ा कर रहा है दोनों। देखो भैंस और नंदी दोनों झगड़ा कर रहा है। भैंस और नंदी झगड़ा कर रहा है। क्या मिंदड़ो बैठो, ट्रैक्टर में बैठो, जो हमारे जिया आवे ये मिंदड़ो बैठो। इसे क्या मिंदड़ा मारी नाखो, एम एक मिंदड़ो क्या है घेर से ते की वहाँ तो मारो है ना, कुकड़ा उपड़ा कुकड़ा उपड़ा जो इसीलिए जो हमारे छोकरी की मिंदड़ो यहाँ बैठो तो मुर्गी को मार देता है ना, तो इसीलिए को मिंदड़े को मार दिया ऐसे बोल रही है। काम नाम है जया बेन, जया बेन के ना, जया बेन हमारे पेड़ में जाए बारिश आ रही है ऐसा बोल रही है। ये जो अंधारा हो गया बारिश बादल इधर से आ रहा ऐसा बोल रहा है गुजराती में, जो अंधारा हो गया इधर से बारिश आ रही है, छोटी छोटी बारिश है, ज्यादा नहीं है। तो इसकी सींग है इधर छोटे भाई की, ये ट्रैक्टर की कमाल है ना कि इधर है छोटे भाई की सींग है, ये लड़की भी उसकी है, माँ इधर आया, ये गायु भी इसकी है। तो यह नंदी बहुत बढ़िया है हमारे इधर, तोखार नंदी है ना, इसका बछड़ा है और पूरा काबरा है। किसी को चाहिए ना तो बहुत लंबा कान है इसका, आप भी देख सकते हैं। तो ये नंदी है और एक बछड़ी है, दोनों का सेल करना है। देखो इधर पानी पीने के लिए सब व्यवस्था रखी है, इसको कुंडी रखी है, इधर बारिश आएगी तो अंदर चली जाती है। चार ही है इधर, ज़्यादा नहीं है गाय, चार ही है। इधर भैंस रखी है, एक जर्मन सफर क्या कुतरी कुतरी जो इधर जर्मन सफर में बैठी हुई है, तो नदी थी गई कोई तो बताए। देखो ये हमारे जिया बिन की है, जिया बिन है कर्ड जूली नाम जूली तो बोलती ना, तो क्या बोले मजूर आवे ना कोई बात नहीं, हुए जाए तार नाइट में फंसती है ना, नाइट में हाँ। जो हमारे जिया कहती थी बारिश चालू हो गई, अंधारा है तो ये ना बारिश हो गई चालू, ठीक है ना वरसाद चालू, जो जिया कहती थी वरसाद आवे यहाँ, जो है ना बेहवा मेटे रखी यहाँ घर ना, जूली के लिए सास बास डाला हुआ है। इधर हम बताते हैं एक भैंस का बछड़ा क्या है, जिया देखा है? तो क्या है भैंस पाड़ी क्या, जो हमारे जया क्या ना जया बहन ने वहाँ पाड़ी बढ़िया आई है, जो पंखो ही रखियो जया की, हमारे भैंस के लिए पंखा भी रखा है, बछड़ा भी है, लाइट जो बढ़िया पाड़ी आई है, बछड़ा है, अरे वासड़ो है वासड़ी है वासड़ो है वासड़ो आ कहाँ से बजा था, फिर वासड़ो को बजा था गाय दीदी, एक गाय जर्सी गाय दीदी, जो इतनी छोटी बसी है तो इसको पता है ये कौन सी गिर है कौन सी जर्सी है,
सिटी में 20 साल की लड़की को पूछे कि लड़का को कौन सी जर्सी है तो उसको पता नहीं। ये देखो ये पाड़ी भी बढ़िया है हमारे पास, एक इधर बढ़िया पाड़ा है ना, बढ़िया है। देवा देवा इतना पाड़ा नहीं, देवा रबारी है उसका पाड़ा है ना, उसकी ये जाफराबादी भैंस है, बढ़िया बनेगी ये। दूध पियो, हाँ दूध पिया रहता है भाई, कि दूध वूध पिलाते हैं अभी तो कई देने आनी है जी। ये भैंस की है, ये तो भैंस कोई बढ़िया नहीं है, बहुत है माफ की पहले हो इधर गया है ना, हाइट बढ़िया नहीं है, पाड़ा की बहुत बढ़िया हाइट है। तो ऐसा है इसमें जो देखो ये भैंसों भी खुली ही रखी है, खाना खा रही है, पानी पीना है तो जो वहाँ एक पानी पीने के लिए गई है। अजी हमें एक देख तो नख हो जाए जरूर बे। ये देखो भैंसों के लिए तो ये रखा है, पानी भरता है तो इसमें बैठती है। मक्खी ना बैठे, ये मक्खी नहीं काटती है, ये गोबर है ना उधर, गोबर गोबर ऐसा है मिट्टी मिट्टी, तो उसमें लौट के आ जाती है बैठती है। वैसा है भाई साहब, ये ना किसान का तो हाल ऐसा है, देखो आ रही है वो भैंस। ये भैंस सींग बींग बढ़िया है, देखो आ रही है। आगे नहीं है, जया नहीं है कि नहीं केदारी, हाँ जिया नहीं, तो जिया ना आप पाड़ी कहाँ थी, कहाँ थी इन्हें दूध पियो बे, जो ये दूध निशान है, वो निशान है, ओ शांत रही है दोर माने ऐसी बोल रही है, ऐसा बोल रही है। फैन बैन इधर रखा है, जो इधर घर घंटी है, वो फ्लोर मिल है, इधर गोडाउन है, पहले तो ये रूम था हमारा, कहना कि इसमें रूम था, अभी तो गोडाउन बना दिया इसमें। हाँ इधर एक घास काटने वाली मशीन भी है, देखो घास काटने की मशीन है, और इधर ये फ्लोर मिल है, वो है अब ये आले बे घंटी आले, हमारे इधर इसको घंटी बोल रहे हैं, दो रखा है तो बे क्यों रखी, एक भैंसों के लिए रखे फ्लोर मिल, और इधर घर पे खाना बनाते हैं इसमें, एक मशीन खोद के हमारे जी अभी बोलती है। हाँ देखो इसमें सब सामान बामान रखा, दवा सा टंटा को गई ना, बाटलो यहाँ रखियो आके बाहर, गरम पानी करवाने आती, गरम पानी कर तो गरम पानी गरम थे, गीजर हुई थी गैस गीजर, पानी में नहीं करती थी, पाइप में गैस डाल, लाइट वाली ना आगे देखिए, 1 रुपया में 14 लीटर था, 1 रुपया में 14 लीटर इसमें पानी गरम आता है, ऐसा ये गैस में से गीजर चलता है अंदर है, तो हम देखने के लिए माया और जया जाता है इधर। हाँ जी मैं दिखाता हूँ वो सिस्टम, तो हमने भी नहीं देखा, गैस पे पानी गर्म होता है, देखो बाथरूम बाथरूम बढ़िया बनाया है, आज नहावा लूंगा भाई स्नान करने के लिए, ये गीजर है पानी गर्म करने के लिए, ये गैस से गर्म होता है, इसमें एक फुवारो एक फुवारो एक फुवारो बढ़िया बने, हाँ तू ना हाँ हमारे जया बन है, चलो बाथरूम बढ़िया बना है, इधर एक फुवारा है, इधर है, इधर ये पानी गर्म करने के लिए कितना है वहाँ पर, 5,000 रुपया वहाँ पर, तो आप बाटलो कितना लाते आ रहे, वो तो 3 मंथ चलता है, ये बढ़िया है, शॉर्ट बोट नहीं लगेगा इसमें, शॉर्ट बोट नहीं लगेगा, गैस का बाटला चाहिए इसमें,
शॉर्ट नहीं लगेगा, बिजली वाला होता है तो उसमें शॉर्ट लगता है। इधर इसकी गाड़ी पड़ी है, यानी कि इधर गाड़ी पड़ी है फोर व्हील, इधर रेसिडेंट है, ऐसा किसान का होता है। इधर एक ट्रैक्टर पड़ा है वो भी बता दें, ये ट्रैक्टर है 55, ये ना 55 पैसा 55 है। ये वहीनी बहनी है, दूल्हा है। इधर जो ये दवा सटने वाला है, ये 1,02,000 कितना ना 2,000 1,04,000 का आता है ये। इधर ये सिंग लगाए, वो धाना जीरा धनिया लगाने वाला ट्रैक्टर कोहिनी है। इधर भी बड़ा गोडाउन रखा है। इधर हमारे जयाबिन का झूला, हाँ रोटला करे जो, यानी ये इधर रोटी बनाते है सब्जी आई यहाँ की बनावे ना। हाँ जो घंधारू यहाँ की बना, हाँ ये ना घंधारू यहाँ बना, घंधारू यहाँ में खबर पड़ी मरगी वर्गी बनाते ये बताती। हाँ जो ये लड़की है सब पोल सता कर रही है, मुर्गी बना दे। हाँ जहाँ गंधारू जाग बना रही है, ये गंधारू है जहाँ ही बस आई लुगड़ा हूँ हमारी जी, यानी आई लुगड़ा है कोई वर्षा दे भाई, आज पूरा सत्यानाश कर दिया जी। बनिया होगा बस यहाँ गंधारू जाग कौन कौन खाए, कौन खाए आ गंधारू जाग कौन खाए, ये कौन खाए, बापो खाई जो बापो खाई, यहाँ गंधारो है बापो जी गंधारो ही खाई। यहाँ मकान है इधर, कहना ये मकान है, ये मकान हमने बनाया था, वो तो हमारे पिताजी ने बनाया था तो इसने गोडाउन बना दिया है। ये इधर हमने बनाया था, एक हमारे गांव में मकान था, वहाँ बारिश के और तूफान आया था तो गिर गया था, तो ये तब बनाया था। ये मकान है, इधर टीवी भी बढ़िया रखी है वो बता देते हैं। इधर टीवी भी बहुत बड़ी है, कितना इसने 60,000 की आदि है, 60,000 नहीं आवे कितना नहीं आवे जिया, 60,000 नहीं आवे हमारे जिया नहीं खबर है जो, यानी इधर ये रूम बूम है वो भी ये मेरे हिसाब से 25-30 साल पुराना है। पग में लगी को टोपड़ी पड़ी, टोपड़ी पड़ी ने लागी थी, हाल आपड़े वो जाई घेर ने का बदे आपड़े आना पोला सता करिए ने ता बदे ठीक का है। हां हां फूटे तो नाते फूटे, हां ये में फूटे। इधर जो दूसरा भी बाथरूम है ये पुराना, इसमें तो कपड़ा धोने के लिए मशीन रखा है, और ये पुराना है हमने बनाया था छोटा छोटा है। इधर बैठते हैं कोई मेहमान बेहमान आते हैं तो खुला में रखते हैं सबको, इधर बैठा है। हाँ हाथ धोवा जावा, हाँ गंधारू खाए नहीं हाथ धोवा आई जाए, हाँ आई जाए ना पासा मैं किरा रखे गंधारा वाला उन्हें तो अबुआ हमारे अबुआ है हाथ धोने, इधर हमारे अबुआ था। हाँ घड़ी कौन घड़ी कहाँ, हम वापस आ गया बैठक में नहीं पानी भरा नहीं नो पासा बे है ऐसा है, ऐसा है। हाँ लगता है जो इधर ये सीताफर है, या ना इधर सीताफर है रखा है हमारे, इसको सीताफर बोलते हैं, बढ़िया है आम है। और इधर ये खारकू आते हैं ना हमारे, खारकू बोलते हैं, खजूर भी बोल सकते हैं इसको, ये भी रखा है खजूर। एक बार बहुत बढ़िया आई था, ये एक जड़ का 3,000 दे के लाया था कच्छ में से, तो बहुत बढ़िया इसमें आया था, अभी तो नहीं आ रहा है इसमें, निकला है और भी बच्चा निकला, एक तो खराब हो गई है ये, कोई इसमें कोई दवाई बवाई कुछ नहीं लगाते हैं तो इसलिए ये बढ़िया नहीं होता, ऐसा है भाई साहब। और दूसरा इसमें एक ड्रेन मार्क है, बहुत बढ़िया है पगार इसमें, लेकिन उसमें ऑपरेटर चाहिए, CNC ऑपरेटर चाहिए, SC जो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, उसमें 4,500 यूरो पगार है, 4,500 तो आपको
उसमें 13 लाख भरना पड़ेगा, लेकिन CNC ऑपरेटर चाहिए, खाना पीना रब रहना सब उसके ऊपर ड्रेन मार्क में है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर अर्थ पेपर नो कारण वीजा है ना, उसमें आपको पहले 2 लाख भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको 11 लाख भरना पड़ेगा। तो ये बढ़िया है भाई साहब, जाने के लिए किसी को जाना है तो है ना, वो बढ़िया है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, नॉर्वे वाला भी आया है, दूसरा एक है इधर, उसमें है नेदरलैंड, उसमें 14 लाख है, ऑस्ट्रिया में 12 लाख है, रजिस्टर फी के समय आपको 2 लाख ही भरना पड़ेगा, उसके बाद जब वीजा आएगी सब तब आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, 2 लाख ही पहले भरना पड़ेगा, बाकी ना जो पैसा 12 लाख 10 लाख जो भी बाकी रहते हैं ना, वो वीजा एग्रीमेंट एयर टिकट वीमो सब आ जाएगा, ऑनलाइन बताएगा तभी तो आपको भरना पड़ेगा, तब भरना पड़ेगा। उसमें काम भी बढ़िया है, नेदरलैंड में प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजर चाहिए, पोस्टर पुरुष और महिला बनने दोनों चलेगा, और ये ऑस्ट्रिया में कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए, क्लीनिंग सेटअप सुपरवाइजर मात्र पुरुष चलेगा, ये ऑस्ट्रिया है ना उसमें सुपरवाइजर ही चलेगा, उसमें भी यही पगार है 3200 यूरो, तो इधर का 3,12,000 होता है, और 3,12,000 से 3,18,000 के आसपास, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लिविंग सर्टी मैरिज सर्टी वो ही चाहिए। और दूसरा नॉर्वे वाला है, यंग नॉर्वे वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यंग नॉर्वे वाला जर्मनी में है, उसमें तो ट्रक मैकेनिकल चाहिए कृषि मैकेनिकल चाहिए ऐसा, उसमें भी पगार तो बढ़िया है ना, पगार तो मैं इसमें कितना होता है वो बता देता हूँ आपको, नॉर्वे में नहीं जर्मनी में, उसमें 10 लाख चाहिए ना, 10 लाख चाहिए, उसमें भी पगार 3,30,000 है, छत्री हो हीरो है तो 3,30,000 के आसपास होता है, छत्री हो हीरो है पगार, वो जर्मनी है, जर्मनी में किसी को जाना है ना तो ये जर्मनी वाला है, और दूसरा ये नॉर्वे वाला है, वो भी मैं आपको थोड़ा दूसरे मोबाइल में मैं देख रहा हूं तो आपको पढ़ के बताता हूं। और जर्मनी में जॉब वैकेंसी भी है, ग्रेजुएशन BCC नर्सिंग GNM पोस्ट BSc MSc, उसमें भी ये सभी हो हीरो पगार है, सभी हो से 28 हीरो तक, 17 हीरो पहले में मंथ में आपको 25 हीरो मिलेगा, दूसरे मंथ में आपको 17 हीरो मिलेगा, तीसरे मंथ में आपको 28 हीरो मिलेगा, और चौथा मंथ से चालू होगा तब 17 हीरो, उसमें भी बढ़िया पगार है, टोटल पैकेज 4 लाख 4.5 लाख ही है, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं है, इसमें प्रक्रिया समय लगेगा 8 से 10 महीना 10 मंथ लगेगा। और दूसरा ये नॉर्वे वाला बहुत बढ़िया है, नॉर्वे वाला भाई साहब, ये किसी को आप शेयर भी करना, कोई गरीब लोग दे सकता है, और हमारे इधर पोरबंदर जिला में कोई होगा ना तो हमारे इधर एक बैंक है, वो किसान की बैंक है, वो भी लोन देती है, तो किसी को जाना है पैसा नहीं है तो जमीन होगी कोई मकान होगा सिटी में तो उसमें भी लोन देते हैं, किसान ऐसा किसान खेती बैंक ऐसा नाम है, तो मैं कल वहाँ रूबरू किया था तो मिला उसने, तो उसने बोला ठीक है हम दे देंगे। तो ये नॉर्वे वर्क परमिट है, जॉब कैटेगरी फिश फैक्ट्री हो मछली पकड़ना है तो भी है, और ऑयल डेपो पेट्रोल पंप में भी काम है, वेयर हाउस में काम है, और ट्रक ड्राइवर चाहिए, उसमें 3,000 यूरो पगार है, उसमें से भारत नेपाल श्रीलंका AGP कोई भी बंदा चलेगा, उसमें उम्र है 23 साल से 45 साल 2-3 से 2-4, और इसमें जाने के लिए भाई सब बढ़िया है, खाना पीना रहना सब ये नॉर्वे कंपनी देती है। इसमें आपको पहले कुल कीमत है 10 लाख, दस्तावेज के समय 1500 यूरो देना पड़ेगा, ये 1.5 लाख, वर्क परमिट के समय पे 2 लाख देना पड़ेगा, और वीजा ग्रांट पसे आपको 6,50,000, वो भी वीजा आएगी उसके पास आपको 6,50,000 देना पड़ेगा, पहले आपको 3,50,000 टोटल देना पड़ेगा, टोटल रुपया है 10 लाख। ये वेयर हाउस में भाई साहब बढ़िया है, किसी को जाना है, मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कोणवदर तहसील पोरबंदर जिला भी पोरबंदर, और मोबाइल नंबर है
252-05389। गुजराती में भी बोल देता हूँ 98-252-05-93। और नाम है मेरा रामभाई सिसोदिया, गायू वाला और घोड़ा वाला। पीछे घोड़ा तो देखते हैं, यानी पीछे घोड़ा तो सब खड़ा है, इधर इधर भी खड़ा है, इधर भी खड़ा है, सब जगह पे खड़ा है। तो भाई साहब किसी को जाना है तो फोन करना और जल्दी करना है, जाने के लिए बढ़िया देश है, उसमें आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा, वो हमारी गारंटी है। ये पैसा के लिए नहीं बनाते हमें, हमारे को इसमें ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं मिलता, एक बंदा जाएगा 50,000 ही मिलता है। तो हम तो खाली सेवा के लिए ही काम कर रहा है, मगर ये 50,000 कोई ज़्यादा नहीं होता। तो भाई साहब किसी को जाना है तो ये मेरा नंबर 98-252-05-93। और इधर पोरबंदर जिला में कोई होगा ना तहसील और जिला में, तो लोन भी हम इधर करवा देंगे, नंबर भी बैंक वाला को देंगे, वो प्राइवेट बैंक है। तो जय माता जी।